इस बार दादा कौए के पंखों में बहुत दर्द हो रहा होता है कि वो चलता हुआ अपने पोते लालू कौए के घर जाता है और कहता है, लालू बेटा सुनो तो। अरे कौन है जो दोपहर के वक्त हमें तंग करने आ गया? लालू बेटा, मैं हूँ तुम्हारा दादाजी। मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी दरवाजा खोले। अच्छा अच्छा, दादाजी आप हैं, रुको मैं अभी आता हूँ। चलो दादाजी, जल्दी घर के अंदर आ रहे हैं। मैं आपको डॉक्टर का नंबर देता हूँ, आप उसे कॉल करना। उसके बाद दादा कौआ घर के अंदर आ जाता है और फिर डॉक्टर को कॉल करता है। हेलो डॉक्टर बेटा, कहाँ पर रहो तुम इस वक्त? जल्दी से लालू के घर आ जाओ, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। पंखों में दर्द है, ठीक है। देखो दादाजी, मैं घर पर नहीं आ सकती हूँ, यहाँ पर मेरा हॉस्पिटल में कुछ काम है। आप ऐसा करें कि आप मेरे हॉस्पिटल आ जाएं, यहीं पर मैं आपको चेक कर लूँगी। उसके बाद दादाजी को लालू कौआ चिड़िया के हॉस्पिटल में लेकर आ जाता है। डॉक्टर चिड़िया दादा कौआ को चेक करती है और कहती है, देखो लालू जी, दादाजी के पंख बहुत कमजोर हो चुके हैं, इन्हें इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। डॉक्टर जी, कहीं दादाजी को मरने वरने का खतरा तो नहीं है ना? नहीं नहीं लालू जी, दादाजी इतनी जल्दी मरने वाले नहीं हैं। ये बहुत पुराना पापी है, इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। बस एक इंजेक्शन लगेगा दादाजी को, फिर ये पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। उसके बाद डॉक्टर चिड़िया दादा कौओं को इंजेक्शन लगा देती है। फिर लालू कौआ डॉक्टर चिड़िया को कुछ पैसे देकर दादाजी को अपने घर ले जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।